भारतीय वायुसेनार आउ एक हेलिकप्टर एमआई 17 V5 दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एथिरे यात्रा करथिबा वायुसेना एवं स्थलसेनार पांच जन जवानकर मृत्यु होइछि। अरुणाचल प्रदेश रे थिबा भारत चीन सीमा निकट तावांगरे दुर्घटना घटिछि। तबे दुर्घटना नै भारतीय वायुसेना स्पष्ट करिछि। भोर 6टा रे उडान भरिथिबा हेलिकप्टरटि दुर्घटनाग्रस्त होइछि। दुर्घटना परे कोर्ट अफ इन्क्वायरी पई निर्देश भी दिया जाइछि। भीभीआईपीक पई एही हेलिकप्टर स्वतंत्र भाबे नियोजित होइथाय। भारतीय वायुसेनार आउ एक हेलिकप्टर एमआई 17 V5 दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एथिरे यात्रा करथिबा वायुसेना एवं स्थलसेनार सात जवानकर मृत्यु होइछि। अरुणाचल प्रदेश रे थिबा भारत चीन सीमा निकट तावांगरे दुर्घटना घटिछि। दुर्घटना नै भारतीय वायुसेना स्पष्ट करिछि। भोर 6टा रे हेलिकप्टरटि उडाण भरिथिला एवं परे दुर्घटनाग्रस्त होइथिबा वायुसेना स्पष्ट करिछि एवं दुर्घटना परे कोर्ट अफ इन्क्वायरी पई निर्देश भी दिया जाइछि। भीभीआईपीक पई हेलिकप्टर स्वतंत्र भाबे नियोजित होइथाय। दुर्घटना परे कोर्ट अफ इन्क्वायरी पई निर्देश दिया जाइछि एवं एमआई 17 V5 दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एथिरे सात जवानकर मृत्यु होइथिबा सूचना मिलिछि। एथिरे यात्रा करथिले वायुसेना एवं स्थलसेनार जवान माने। तबे सात जवानकर मृत्यु होइथिबा स्पष्ट होइछि। अरुणाचल प्रदेश रे थिबा भारत चीन सीमा निकट तावांगरे ई दुर्घटना घटिछि। दुर्घटना नै भारतीय वायुसेना स्पष्ट करिछि। भोर 6टा रे हेलिकप्टरटि उडाण भरिथिला एवं परे दुर्घटनार सम्मुखीन होइथिबा वायुसेना स्पष्ट करिछि। वर्तमान दुर्घटना हेला परे सात जन जवानकर मृत्यु होइछि। तबे हेलिकप्टर दुर्घटना को नहीं अधिक सूचना देउछथि हम प्रतिनिधि संदीप बोल। सुबह अरुणाचल प्रदेश के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये बहुत ही उन्नत हेलीकॉप्टर है जो कि खासतौर पर कि सर्च रेस्क्यू आर्म कॉम्बैट और कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास जो है अरुणाचल में इसी तरीके के हेलीकॉप्टर ने जो है उड़ान भरी थी और वहाँ पर जो है एक दुर्घटनाग्रस्त होता है। 5 लोगों की जो है मौत हो जाती है और एक जो है घायल है। जाहिर सी बात है कि चिंता वाली बात है। भारतीय वायुसेना जो है अपना 85वां दिवस मना रहा है। सेलिब्रेशन से पहले इस तरीके की खबरें ऐसी बात है कि काफ़ी चिंता वाली बात होती है। खुद जो वायुसेना अध्यक्ष है कल इस बात को उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पीस टाइम में जो हादसे हो रहे हैं, जिस तरीके से पीस टाइम में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो वाकई चिंता वाली बात है। और वायुसेना दिवस से ठीक पहले ये हादसा जाहिर सी बात है कि कई सारे सवाल जरूर खड़े करता है। कैमरामैन नरेश के साथ संदीप बोल, ईटीवी न्यूज़।